मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमपी बोर्ड का रिजल्ट 25 अप्रैल तक घोषित किया जा सकता है। हालांकि एमपी बोर्ड द्वारा इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी भी प्रतीक्षित है। परिणाम जारी करने से पहले बोर्ड अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक घोषणा करेगा। एक बार परिणाम जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर अपने स्कोर छात्र देख सकेंगे। वे एसएमएस के जरिए भी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी और मार्च के बीच आयोजित मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2022 में शामिल हुए लगभग 18 लाख छात्र अपने स्कोर कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले ऐसी खबरें थीं कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम 15 अप्रैल को घोषित करेगा, लेकिन अभी भी छात्र 10वीं के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्कोर कार्ड की चेक करने के लिए छात्रों को लॉगिन विंडो में अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए इन्हें संभाल कर रखें। एडमिट कार्ड पर छात्रों के रोल नंबर लिखे होंगे। उल्लेख नहीं करने के लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का परिणाम प्रत्येक विषय के अंकों के रूप में उपलब्ध होगा और मूल मार्कशीट स्कूलों को उपलब्ध होगी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।